हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यू इनोवा के हाईक्रॉस में जो टोयोटा सेफ्टी सेंस का फीचर्स आता है ZXO वेरिएंट में, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर जैसे कि डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल हो गया, आपका लेन ट्रेस असिस्ट हो गया, लेन डिपार्चर अलर्ट हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स हम लोग कवर कर लेंगे। बट ये सब फीचर्स आपको दिखाने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सब फीचर्स यूज करने के टाइम आप बहुत ज्यादा कॉशन से व्हीकल ड्राइव करिए और गाड़ी का कंट्रोल आपके ही हाथ में रखिए। स्टीयरिंग वगैरह छोड़ के वो सारी चीजें मत करिए, बहुत रिस्की हो जाता है। डेफिनेटली गाड़ी के फीचर्स सब असिस्ट करते हैं, बट जैसा कि कहीं पे लेन है, कहीं पे लेन ड्रॉ नहीं है या कहीं पे लेन अचानक से गायब हो गया, मतलब वो व्हाइट पट्टा जो रहता है रोड पे वो नहीं है, तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा तो दूंगा यूज कैसे करना है, बट आप ये सारी चीजें प्लीज बहुत कॉशन से यूज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल्स बता देता हूं जो MID पे मिलते हैं कि यहां पे से कैसे ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको जाना है यहां पे नेविगेट करके, अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है LDA ऑन है, इसको ऑन ही रखना है। लेन डिपार्चर अलर्ट, BSM यानी कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये भी ऑन है, जो ORVM पे आपको ब्लिंक करता है येलो कलर का लाइट। नीचे आप अगर आ जाएंगे तो प्री कोलिजन सिस्टम, अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसमें आपको दो मिलता है ऑप्शन, एक वार्निंग टाइमिंग, आपको कितनी देर के लिए वार्निंग चाहिए, तो मैंने इसमें मैक्सिमम टाइम के लिए रखा है, और नीचे प्री कोलिजन सिस्टम आपको ऑन रखना है या ऑफ, उसका भी ऑप्शन है। तो ये सारे फीचर्स आप MID से इस तरीके से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी देख सकते हैं आप, ऑन है, मतलब स्टीयरिंग का ये जो लेफ्ट साइड का कंट्रोल है इससे आप नेविगेट कर सकते हैं। DRCC को अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसमें आपको काफी सारी सेटिंग दिखती है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर आप सबसे पहली सेटिंग देखेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो ये है कि एक्सीलरेशन सेटिंग। अब एक्सीलरेशन सेटिंग में आपको तीन बार देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। तो अगर ये टॉप मोस्ट बार पे रहेगा तो एक्सीलरेशन एकदम स्पीड में लेगा गाड़ी, अगर आप सेकंड पे रखेंगे तो थोड़ा और धीरे लेगा, और अगर 1 पे रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्लोली एक्सेलरेशन का स्पीड जो है वो पकड़ेगा। तो मैंने इसको अभी फिलहाल टॉप स्पीड पे रखा है। नीचे अब अगर आ जाएंगे तो स्पीड सेटिंग, यानी कि जब आप पुश करके स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो कितने से स्पीड बढ़ता है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो ये जैसा आप ये रीसेट का स्विच देख सकते हैं प्लस वाला, अगर इसको मैं ऊपर की तरफ टैप करता हूं तो यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या होगा कि अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 1 km/h की स्पीड से स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अगर इसको आपको ज्यादा करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब एक टैप पे आपको 1 km/h भी बढ़ा सकते हैं, 5 km/h भी बढ़ा सकते हैं, और अभी आप देख सकते हैं मैंने 10 वाला सेटिंग भी यहां पे कर दिया। तो आप 1 km/h से लेके 5 km/h और 10 km/h भी रख सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने जो सेटिंग पे करके रखा है वो 1 km/h कर दिया। अब ये था एक बार टैप करने में, एक बार इस तरीके से अगर आप टैप करेंगे तो 1 km से स्पीड बढ़ेगा, या अगर आप सेटिंग चेंज करते हैं तो 5 km/h से भी बढ़ सकते हैं और 10 km/h से भी बढ़ सकता है क्रूज में। अब इसके नीचे और एक सेटिंग है, अगर आप इसी स्विच को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं, अगर आप होल्ड करके लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे तो उसमें भी एक सेटिंग है, मैं बता देता हूं आपको। तो लॉन्ग होल्ड पे आप 5 km से भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 10 km से भी स्पीड बढ़ा सकते हैं और 1 km से भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि अगर आप लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे तो 1 km की अगर सेटिंग में रखें तो एक बार लॉन्ग होल्ड पे 1 km का ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसको 5 कर देते जिस तरीके से मैंने अभी किया, या आप इसे 10 कर देते तो एक बार होल्ड करने से 10 का स्पीड बढ़ जाएगा। तो आपका जो भी कंफर्टेबल स्पीड हो, मैं यहां पे इसे 5 का कर देता हूं, जैसे मेरा कंफर्टेबल स्पीड एक बार होल्ड में 5 का है तो मैं उसे 5 के उस पे सेट कर देता हूं। और नीचे अगर मैं नेविगेट करके आऊंगा तो यहां पे आपको गाइड मैसेज दिख रहा है ऑन। अब ये गाइड मैसेज क्या होता है, बेसिकली जब आपका गाड़ी लेन चेंज करता है या स्पीड कम ज्यादा करता है या आगे कोई गाड़ी आता है तो ये यहां पे गाइड कर देगा, इसे आपको ऑन ही रखना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। अब एक ये बहुत अच्छा सेटिंग इधर पे आपको देखने मिल गया, कर्व स्पीड रिडक्शन। अब कर्व जब आता है, जब लेन ड्रॉ है और कर्व आ रहा है, गाड़ी टर्न ले रहा है, तो नॉर्मली आप स्पीड कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो अगर आप स्पीड कम करना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं 3 बार आपको मिल गया है। अब 3 बार जो मिल रहा है, इसमें अगर आप लोवेस्ट पे रखोगे तो एकदम कम स्पीड कम होगा,
सेकेंड बार पे रखोगे आप तो स्पीड थोड़ा ज्यादा कम होगा, थर्ड बार पे रखोगे आप तो स्पीड एकदम ज्यादा कम होगा। तो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, कर्व स्पीड रिडक्शन ऑफ का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी टर्न ले रही है ऑटोनोमस वे में तो उस टाइम पे स्पीड आपको कम नहीं करना है, तो आपको उस फीचर को ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे फिलहाल आपने देख लिया MID पे जितनी सेटिंग्स भी हमको TSS यानी कि टोयोटा सेफ्टी सेंस रिलेटेड फीचर्स वाली थी, मैंने सब आपको दिखा दिया है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है बट बहुत यूजफुल रहेगा, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको सारी के सारे फीचर्स समझ में आ जाएंगे। अब राइट साइड के जो स्विच है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये वाले स्विच में ऊपर एक अलग से स्विच है मोड का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला मोड, और नीचे है ये जो स्विच दिख रहा है ये डिस्टेंस का है। सो जब भी आप मोड को प्रेस करते हैं तो मोड पे आपको आ जाएगा मैसेज यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये मोड वाले बटन को आप प्रेस करने के बाद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का स्विच, मतलब ये मैसेज यहाँ पे आपको आ जाता है MID पे जो आप देख सकते हो। और जब भी आपका कंफर्टेबल स्पीड आपको हाईवे पे मिलता है वो स्पीड पे जाके आपको अगर सेट करना है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो ये ऊपर वाला स्विच आप एक बार प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर वाला स्विच को प्रेस कर देंगे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली स्पीड को एडेप्ट कर लेगा और स्पीड को ले लेगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। फिर ये जो रीसेट और सेट का स्विच है इससे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड कम भी कर सकते हैं। ये वाला जो स्विच यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेन कीप असिस्ट का स्विच है, ये लेन कीप असिस्ट या इसको लेन ट्रेस असिस्ट भी बोलते हैं LTA। ये जो लेन ट्रेस असिस्ट का फीचर है ये गाड़ी को लेन पे ही रखने के लिए काम करता है। जैसे आप टर्न वगैरह लेते हैं तो लेन देख के गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप रोटेट करता है, ये लेन ट्रेस असिस्ट का स्विच आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जब फीचर्स यूज नहीं करना है तो कैंसिल का भी एक स्विच देखने को मिल जाता है। अब ये जो नीचे डिस्टेंस वाला स्विच है इसमें आपको चार डिस्टेंस मिलते हैं टोटल, एक शॉर्ट मिलता है, एक लॉन्ग मिलता है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग मिलता है और एक मीडियम मिलता है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो आपको मिलता है 30 मीटर्स का, लॉन्ग डिस्टेंस आपको मिलता है 45 मीटर्स का, और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग है वो सॉरी मीडियम आपको मिलता है 45 डिस्टेंस का, लॉन्ग आपको मिलता है 60 डिस्टेंस का और एक्स्ट्रा लॉन्ग मिलता है आपको 70 मीटर्स का। तो ये जो चार डिस्टेंस आपको मिल गए 30 मीटर्स, 45 मीटर्स, 60 मीटर्स और 70 मीटर्स, ये बेसिकली डिस्टेंस है आप जब डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो आगे वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस आपको कितना चाहिए। सो बेसिकली कंट्रोल्स मैंने आपको सारे के सारे समझा दिया है। अब चलते हैं गाड़ी को प्रैक्टिकली ड्राइव करते हैं और देखते हैं हम लोग कि ये फीचर्स काम करते कैसे। तो फिर अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे और हाईवे पे अभी हम लोग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल ये फीचर सबसे पहले यूज करने वाले। तो स्टीयरिंग पे जैसे मैंने कंट्रोल्स बताया था तो स्विच अभी प्रेस कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही स्विच प्रेस किए आप देख सकते हो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड का आइकन आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद करना क्या है, हमको गाड़ी ड्राइव करना है। अब जैसे ही गाड़ी ड्राइव करेंगे उसको हम लोग सेट कर देंगे, सेट के लिए स्विच जो है वो ऊपर वाला क्रूज कंट्रोल का उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी ड्राइविंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ड्राइविंग और अभी एडेप्टिव जो है उसको सेट कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑन है और उसके साथ जो लेन ट्रेस असिस्ट का स्विच था राइट साइड पे उसे भी प्रेस कर दिया है। तो आप रोड भी देख सकते हैं, रोड पे लेन भी आपको दिख रहा है। तो अब जो स्पीड हमने सेट किया है वो 65 की स्पीड सेट है बट गाड़ी जो है वो 38, 40 इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर आगे कोई गाड़ी आ जा रहा है तो अपने आप स्पीड स्लो हो रहा है बट अगर आगे गाड़ी का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी आप देखोगे गाड़ी अपने आप विदाउट ड्राइवर के एक्सेलरेशन दिए हुए स्पीड बढ़ रहा है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चल रहा है, आगे वाला जो ट्रक है वो स्लो चल रहा है तो इस वजह से गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्लो हो गया, 45 पे चल रहा है। हालांकि आप अगर देखेंगे क्रूज कंट्रोल जो सेट है वो 65 के स्पीड पे सेट है। तो अब जैसे ही गाड़ी कोई आगे आता है आपकी लेन पे भी तो वो इंडिकेशन भी दिखा देता है, ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। अब आप देख सकते हैं रोड पे जैसा लेन ड्रॉ है तो गाड़ी अपने आप चल रहा है, लेन कीप असिस्ट या लेन ट्रेस असिस्ट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आगे डिस्टेंस मिल गया तो गाड़ी भी स्पीड बढ़ा रहा है। अब इसमें मैंने बताया था चार डिस्टेंस, तो चार डिस्टेंस में से हमने सबसे जो दूर वाला डिस्टेंस है वो सेट करके रखा है, वो भी आप देख सकते हो गाड़ी में आपको आइकन दिख रहा है कि एकदम दूर का जो डिस्टेंस है वो हमने सेट करके रखा है। अगर मैं नजदीक कर दूंगा तो नजदीक में क्या होगा कि गाड़ी का गैप जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखूंगा तो आगे वाली गाड़ी से मैक्सिमम डिस्टेंस लेके गाड़ी ड्राइव करते रहेगी।
अभी आप देख सकते हैं लेन मिल गया तो स्टेयरिंग टर्न भी अपने आप ले रहा है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया प्लीज आपको पूरा ध्यान देना है ड्राइविंग पे, मतलब आपको गाड़ी के भरोसे पे ड्राइव नहीं करना है, आपको खुद से ड्राइव करना है ये, क्योंकि जितने भी फीचर्स होते हैं TSS वगैरह के, ये ड्राइविंग को असिस्ट करने वाले फीचर्स होते हैं, गाड़ी को ड्राइव करने वाले फीचर्स नहीं होते। ये ऑटो ड्राइविंग या ऑटो पायलट वाली गाड़ी नहीं है, इसमें आपको असिस्टेंस मिल रहा है, तो जिम्मेदार तो आप ही है गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राइव करने के लिए। हाउएवर यस, ये असिस्टेंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, जैसे आपको मतलब लेन पे रखने के लिए। अभी जैसा ये कर्व देख सकते हैं आप, गाड़ी कैसा ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रोटेट कर रहा है, टर्न ले रहा है। अब इसमें एक फीचर बहुत अच्छा है, LDA लेन डिपार्चर अलर्ट जिसको बोलते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फीचर बहुत अच्छा है। अगर आप टर्न इंडिकेटर देके राइट या लेफ्ट लेते हैं तो वो टाइम पे तो लेन जो डिपार्चर अलर्ट है वो आपको अलाउ करता है, बट अगर आप बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करते हैं तो स्टीयरिंग पे पल्सेशन और एक ऐसा पुलिंग आप फील कर सकते हो। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग के आगे गाड़ी चल रहा है, अभी स्पीड अपने आप 56 पे हो गया। जैसा गाड़ी का डिस्टेंस कम होता है या स्पीड आगे वाली गाड़ी का कम होता है तो हमारा स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्रूज तो हमने 65 पे ही सेट किया है, तो अगर जगह मिल रहा है तो गाड़ी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन अगर जगह कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी कम हो जाता है। और अगर लेन, अभी आप देख सकते हैं लेन ड्रॉ है तो स्टीयरिंग बहुत अच्छे से जो लेन ट्रेस असिस्ट फीचर है काम कर रहा है, लेकिन अगर लेन मिट जाता है बीच में, लेन गायब हो जाता है, तो वो सिनेरियो में आप देख सकते हैं गाड़ी पे आपको मैसेज भी आ रहा है कि देयर इज नो लेन, मतलब आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल लेना चाहिए। अब जैसा कि आपने देखा आगे भी एक गाड़ी ये लेन की रेंज में आ गई या गाड़ी के रडार की रेंज में आ गई, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे क्या हुआ, अब एक चीज आप देख सकते हैं, मुझे जगह मिली तो दिखा रहा हूं, गाड़ी कितना स्लो हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि आगे एक ट्रक चल रहा है। तो डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल में स्पीड वगैरह तो बहुत अच्छे से कम हो रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग देख के फील भी कर रहे हैं। अभी एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, लेन डिपार्चर अलर्ट। तो अगर सिग्नल दिए बिना, जैसा भी लेन ड्रॉ है रोड पे, सिग्नल दिए बिना मैं लेन चेंज कर रहा हूँ तो एक तो स्टीयरिंग पे पल्सेशन भी आता है और आपको MID पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि आप लेन चेंज कर रहे हो, आप लेन पे रहिए। तो एक लेन डिपार्चर अलर्ट भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा फीचर है। अभी तो सिग्नल दिया हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, बट जब सिग्नल नहीं देके आप टर्न ले रहे हो तो वो टाइम पे ये आपको गाइड कर देता है लेन डिपार्चर अलर्ट कि आप लेन के बाहर जा रहे हो। अभी आपको यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं जैसा डायनामिक रडार ब्रेक करता है। अब सामने एक ट्रक है, आप देख सकते हो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लिया है, जो आपके सामने है, मतलब हमारे ब्रेक किए बिना गाड़ी ने डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में ब्रेक भी लिया है। तो गाड़ी पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल भी हो जाता है, और स्टैंड स्टिल के बाद आपको करना क्या है, जब आपको रोड मिल गया आपको सिर्फ जो डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल का स्विच है रिसेट का, उसको ऊपर की तरफ रिसेट कर देना। अब मैं वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं, आप लोग वापिस से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा एकदम सिंपल वे में। अगर आपको ऑन करना है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या DRCC तो ये मोड वाले स्विच को प्रेस करना है, उसके बाद जो भी आपको स्पीड कंफर्टेबल लग रहा है उसके ऊपर ये जो ऊपर वाला क्रूज कंट्रोल का स्विच है इसे आपको प्रेस कर देना है। अब अगर आपको लेन ट्रेस असिस्ट यानी के जो लाइंस ड्रॉ है, अगर रोड पे कर्व आ रहा है अपने आप गाड़ी वो कर्व को संभालना चाहिए, तो आपको ये जो लेन ट्रेस असिस्ट का स्विच है इसे आपको प्रेस कर देना है। अब ये जो रिसेट और सेट का स्विच यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये रिसेट का स्विच, मान लीजिए जैसा ट्रैफिक लग गई, गाड़ी एकदम स्लो हो गया और गाड़ी रुक गया, गाड़ी ने ब्रेक कर दिया, तो वो टाइम पे आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो हट जाता है। बट आपको जैसे ही रोड मिलता है आपको जाके कुछ नहीं करना है, बस रीसेट के स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिकली जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है अपनी प्रीवियस बेस्ट स्पीड पे लेके चले जाएगा। तो आपने जैसा नोटिस किया होगा ऊपर एक स्पीड आपको दिखा रहा था, तो वो जो ग्रीन कलर में स्पीड था वो आपका सेट स्पीड था, और गाड़ी जो स्पीड में चल रहा था वो यहाँ पे आपको दिख रहा था। तो जैसे ही आगे का गाड़ी स्लो होता है तो आपकी गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, आगे का गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है तो आपके गाड़ी का भी स्पीड बढ़ जाता है। इसमें जो चार डिस्टेंस थे वो भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो आइकन है, ड्राइव करते हुए नहीं बता पा रहा था इसलिए अभी बता रहा हूं, तो ये वाला जो आइकन है इसमें आपको गाड़ी के डिस्टेंस दिखेंगे, जो मैंने चार डिस्टेंस बताया आपको, 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर और 70 मीटर। तो जो सबसे फारेस्ट है वो 70 मीटर है, तो वो डिस्टेंस आप रख के या जो भी डिस्टेंस आपको कंफर्टेबल हो आप रख के कर सकते हैं सेट। सो होप यहां तक का आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्लियर है, LDA मैंने बता दिया। अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो वो टाइम पे अगर आप लेन चेंज करते हैं
और आपने सिग्नल नहीं दिया तो स्टेयरिंग पे थोड़ा पल्सेशन और पुलिंग फील होगी, आपको ये कॉशन देने के लिए कि आप लेन से बाहर आ रहे हैं, आप वापस से लेन के अंदर आ जाइए। अब LDA इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन अगर आपको लेन ट्रेस असिस्ट ये वाला फीचर यूज करना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल ऑन होना चाहिए। अब इसमें एक फीचर दो फीचर जो है वो मैं थोड़ा बाद में दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कैसे काम करता है और जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है वो कैसे काम करता है। सो होप वीडियो आपको क्लियर है। इसमें आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आंसर कर दूंगा। और लास्ट में एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, प्लीज ये ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट मत रहिए। ब्रेक आपको मारना है, स्टीयरिंग आपको करना है, यस ये सब फीचर्स काम करते हैं, बट हाउएवर जैसे गाड़ी अप हिल चढ़ रही है तो कैमरे का एंगल ऊपर हो जाता है, वो टाइम पे उसे लेन दिखता नहीं है, तो ये सब सिनेरियो में ये काम नहीं भी करेगा, या लेन कहीं पे ड्रॉ नहीं है तो ये सब सिनेरियो पे भी ये काम नहीं करेगा। तो आपको पूरे के पूरे जिम्मेदारी से गाड़ी ड्राइव करना है, हालांकि इसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होके ऐसा नहीं बैठ जाना है कि इसमें तो TSS फीचर्स है ये गाड़ी अपने आप टर्न वगैरह ले लेगा, इस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो होप वीडियो क्लियर है, थैंक यू सो मच।